नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ केती सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मेरठ के एमसी हॉस्पिटल बागपत रोड मेरठ विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए हॉस्पिटल को सील करने की बात जैसे कि विदित है कि उपयोग विषय हॉस्पिटल में कोविड-19 का ऑक्सीजन कम करने भर्ती मरीजों को मारे जाने का मामला जोर शोर से चर्चाओं में है, जिसका खुलासा हॉस्पिटल के कर्मचारी देवेंद्र कुमार द्वारा किया गया था। इस बात पर देवेंद्र कुमार सहित बहुत सारे पीड़ितों द्वारा डॉक्टर सुनील गुप्ता व के एमसी हॉस्पिटल प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शिकायत की गई है, परंतु आज तक 10-12 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। खान श्रीमान जी से प्रार्थना है कि जनहित में ऑक्सीजन डॉक्टर सुनील गुप्ता व के एमसी हॉस्पिटल के प्रबंधक विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए हॉस्पिटल पर सील लगाने की मांग के साथ में मौजूद रहे। पवन गुर्जर, समाजवादी पार्टी, निशांत बढ़ाना, किसान नितिन कुंडा, सचिन कुमार आदि उपस्थित रहे। मेरठ से पत्रकार प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। परिवार के लोग भी, हम उनके परिवार का हिस्सा हैं, वो उसके हिस्सा हैं, उनके हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उनके परिवार के लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, जिन लोगों को मौत के घाट टीएमसी जैसे उतारने का काम किया, टीएमसी जैसे अस्पताल ने उतारने का काम किया। और मैं बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं, ये लड़ाई जो लड़ाई जाएगी बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि प्रशासन अनदेखी कर रहा है, प्रशासन अनदेखी कर रहा है। सबसे पहले तो प्रशासन को उसका लाइसेंस निरस्त करना था कि ऐसा कोई दूसरा हमारा भाई, हमारे समाज का व्यक्ति कोई ऐसी घटना का शिकार न बने। क्योंकि मतलब पेशेंट की लिमिट थी, इससे अधिक पेशेंट भर्ती नहीं है, ऑक्सीजन उसी के हिसाब से मिली थी, इसलिए ऑक्सीजन बहुत कम मिली थी, इस कारण वहाँ ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है। दूसरा, इन लोगों ने कच्चे बिल दिए हैं, कच्चे बिल के साथ साथ शासन गाइडलाइन से अधिक बिल भी वसूला है, तो कई तरह के मुकदमे इन पे बनते हैं। दूसरी एक चीज जानकारी में आई है, इन लोगों ने मृत्यु दर घटाने के लिए जो है पेशेंट जो तीमारदार होते थे वो जल्दबाजी में उनको पता नहीं था, उनकी फाइलों पे लामा लिख दिया करते थे। लामा का मतलब होता है आप अपने जो पेशेंट है, तो मतलब मरीज है, उसको अपनी मर्जी से जिंदा लेकर बार बार जांच का आश्वासन दिया जा रहा है और जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। आज हम लोगों ने कमिश्नर से सीएमओ साहब के यहाँ लगाकर घेराव किया है, और अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कमिश्नर पद पर हम लोग भूखताल पर बैठेंगे। सभी लोगों का समर्थन हमारे साथ है, सत्ता के लोग पूरी तरह से चुप बैठे हुए हैं, न जाने किस बात का।